प्रतापगढ़ में छात्र संघ के चुनाव कल संपन्न होंगे। इस छात्र संघ चुनाव के महामुकाबले में अध्यक्ष पद पर त्रिकोणीय मुकाबला है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए मैदान में एबीवीपी और एससीएसटी मोर्चा से सीधी टक्कर है। जिले के सबसे बड़े राजकीय पीजी कॉलेज में एनएसयूआई दो पदों पर चुनाव लड़ रही है। अध्यक्ष पद के लिए छात्र संघ चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला है। उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी और एसटीएससी मोर्चा में सीधी टक्कर है। गुरुवार को कॉलेज चुनाव की सरगर्मियां तेज रही। शाम तक चुनावी प्रक्रिया को लेकर तैयारियां होती दिखाई दी। राजकीय स्नातक और महाविद्यालय के मुख्य निर्वाचन अधिकारी पप्पूराम कोहली ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी से जमनालाल मीणा, एसटीएससी मोर्चा से रामलाल नीनामा और निर्दलीय धनराज मीणा मैदान में है। वहीं उपाध्यक्ष पद के लिए एबीवीपी के प्रतीक शर्मा, एससीएसटी मोर्चा की यशोदा कुमारी मीणा और महासचिव के लिए एबीवीपी से मनीष गुजर, एनएसयूआई से विद्या गायरी और एससीएसटी मोर्चा से मनोज कुमार मीणा, संयुक्त सचिव के लिए एबीवीपी की राधा लवाना और एनएसयूआई से कमलेश तेली और एससीएसटी मोर्चा की प्रेमा कुमारी व अन्य से कन्हैयालाल मीणा मैदान में। फिलहाल कल चुनाव है। छात्र राजनीति से जुड़े राजनीतिक सरगर्मियों से भरे चुनाव के मुकाबले कल चुनाव के बाद आगामी दिनों में घोषित किए जाएंगे। वहीं चुनाव को लेकर खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। राजस्थान के सभी राजकीय कॉलेजों में चुनाव संपन्न होने जा रहे हैं। चुनाव 31 अगस्त 2018 को होंगे। प्रातः मतदान का समय प्रातः 8 बजे से 1 बजे तक होगा और उसके पश्चात मतगणना 11 सितंबर 2018 को होगी। चुनाव के संबंध में सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। तटस्थता, निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ चुनाव संपन्न करवाएंगे, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। छात्रों से भी विनम्र अपील की गई है कि वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ अपना वोट डालें। महाविद्यालय प्रशासन ने आज सायं 5 बजे तक मतदान करने वाले छात्र छात्राओं के परिचय पत्र बनाने का अंतिम तिथि है और सायं 5 बजे तक ही आज परिचय पत्र बन पाएंगे। कितने कैंडिडेट इसमें? 3,751 परीक्षार्थी छात्र छात्राएं वोट डालने हैं, जिसमें छात्राएं 2175 के आसपास हैं और बच्चे जो है वो 1543। इस तरह से कुल 3,751 छात्र छात्राएं मतदान करेंगे। एक उस चीज को एक हमें एक